हमें, ये देखिए मैं 4 पीस ही डालूंगी इसमें अभी। ये बहुत बढ़िया टेस्ट आता है चॉकलेट डालने से, आपको और डालना होगा तो और डाल लीजिए। नमस्कार, बिजी इलाहाबादी में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आइए, गर्मी का महीना चल रहा है तो थोड़ा बहुत हम लोग ठंडा का बहुत ही आनंद ले रहे हैं। वो ठंडे का आनंद लेते हुए जो माता रानी को हम लोग प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं, तो केला का शेक, बनाना शेक कैसे बनाते हैं उसका प्रोसेस आपको पूरा दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमने केले ले लिए हैं और कुछ हमने शुगर लिया है, और ऊपर से जब डालेंगे तो ये नारियल अच्छा है और इलायची पाउडर है। जब मैं पेस्ट बनाऊंगी इसको दूध और केला डालकर तो उसमें डालूंगी, और कुछ अपने स्वादानुसार हमने बादाम भी लिया है, और उसके साथ में ये चॉकलेट लिया है डेयरी मिल्क का। आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं, अगर नहीं भी डालना है तो मीठा कम पीना है तो चॉकलेट हटा दीजिए, स्किप कर दीजिए। और दूध हो गया, केला हो गया, चीनी हो गया, सब कुछ हो गया। अब चलिए हम बादाम केले को छीलकर डालते हैं। कैसे छीलना है सब छीलकर हम इकट्ठा कर लेते हैं। जब तक हम केले को छीलेंगे और छीलकर हम मिक्सी जार में डालते रहेंगे। अभी अभी हम पहले बाउल में इकट्ठा कर लेते हैं और फिर हम डालकर आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये केला छीलने में 1 से 2 मिनट लगता है, फिर भी हमें छीलना तो पड़ेगा ही। ये देखिए, मैं बहुत बढ़िया सा केला भी है, केले का सीजन भी है, तो गर्मियों के समय में हम लोग बहुत तरह का शेक पीते हैं। आज मन किया कि आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करते हैं। तो ये हमने केला छील लिया है जैसे हमने दिखाया है आपको। सबको बाउल में रखते जाएंगे और केला को हम इकट्ठा कर लेंगे। मिक्सी में कितना दूध डालना है और कैसे बनाना है उसको भी हम आपका प्रोसेस दिखाएंगे। बनाना शेक बहुत ही ठंडा, ऐसे बच्चे तो केला बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, या पसंद भी करेंगे तो दूध नहीं पसंद करेंगे, तो इसलिए हम लोग शेक बनाने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को किसी रूप में हम लोग दे दें। ये स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि केला हमारा बहुत फायदेमंद है। आयरन ही है, प्योर आयरन है, जो कि हम लोग इसको केला के माध्यम से खिलाते हैं। वैसे पालक की सब्जी है, बनाइए, बहुत कुछ है, आयरन कैप्सूल भी आता है। पर हम लोग बच्चों को सेहत को देखते हुए अब हम जार को ले आते हैं और जार में हम डालकर दिखाते हैं आपको। हाँ, देखिए, ये मैंने सभी केले को छील लिया है। पहले मैं दूध डालती हूँ, ये बॉयल किया हुआ है, अगर आप ठंडा करते हैं फ्रिज में तो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, लगभग 1 से 1.5 लीटर दूध ये है। अब इसको मैंने पूरा डाल दिया है। इसमें कितना केला पड़ेगा ये आपको हम दिखाते हैं, जो मैंने छील कर रखा है केले के साथ में, और दूध का बिल्कुल बढ़िया क्वांटिटी होनी चाहिए, ना दूध कम हो ना केला कम हो, और सबको हमें डालना होता है। कितना डालना है वो आपको हम इसी वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। देखिए, ये हमारा केला पड़ गया है, अब ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। देखिए, इसमें हमारा केला बिल्कुल डूब जाना चाहिए और दूध बिल्कुल ऊपर हो गया है, तो अब हम केले को नहीं डालेंगे। चलिए, इतना केला मैंने बचा लिया है, दोबारा पीस लेंगे और हल्का शुगर डालेंगे। और ये 4 से 5 बादाम है, 6, तो आपकी इच्छा है तो नहीं डालिए। इच्छा अगर बिल्कुल है कि बच्चों को देना ही देना है तो आप दे सकते हैं। मैंने 6 डाल दिया है, ये देखिए 6 पीस। और इसमें शुगर हम बहुत हल्का डालेंगे, दूध में थोड़ा सा अच्छा लगता है, और आप अपने अनुसार ही डालिए। चॉकलेट को भी ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, ले लिया है क्योंकि दोबारा पीसने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं इसमें हाफ ही डालूंगी। ये देखिए, मैं हाफ इसमें डाल रही हूँ क्योंकि ज़्यादा चॉकलेटी भी ना हो जाए, बच्चों को तो बहुत ही पसंद है, पर क्या किया जाए, चॉकलेट तो रखना ही पड़ता है हमें। ये देखिए, मैं 4 पीस ही डालूंगी इसमें अभी। ये बहुत बढ़िया टेस्ट आता है चॉकलेट डालने से, आपको और डालना होगा तो और डाल लीजिएगा। और इलायची पाउडर है, ये तो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही जरूरी होता है, जो मैंने क्रश करके रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं, 1 पिंच ही डालेंगे
ज़्यादा नहीं डालेंगे। और ऊपर से हम नारियल अच्छा डालकर दिखाते हैं। चलिए, मैंने सारे केले को छील लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें हल्का सा पानी हम थोड़ा सा डाल देते हैं, जिससे कि बहुत बढ़िया सा, ये देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है पर थोड़ा सा। ये अब हम मिक्सी जार को ले आते हैं, लगाते हैं। ये देखिए, मैंने मिक्सी को फिट कर दिया है। और अब क्या करना है, हमें मिक्सी चलाना है, तो मैंने ऑन कर दिया है। और अब हम इसको, आइस तो डाले ही नहीं, बिना आइस के बनेगा कहाँ ठंडा। एक बंद करिए। हाँ, देखिए, इसमें हमने मिक्सी जार चला दिया था, केले और दूध और चीनी और इलायची पाउडर सबको। फिर याद आया कि अरे, मैंने तो आइस निकाली नहीं, आइस के बगैर तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता, तो इसलिए हमने थोड़ी सी आइस निकाल ली है। तो इसमें आइस डालिए, अगर आपको ज़्यादा पीना है तो ज़्यादा डालिए। ये ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है जब ठंडा होता है। अब देखिए, हम फिर से मिक्सी जार को चलाने जा रहे हैं। अब हमारा मिक्सी जार निकालने का समय आ गया है। अब बहुत बढ़िया सा, हम क्योंकि ये फुल है तो संभाल के निकालना है। ये जार हमारा फुल हो गया है, और देखिए, बहुत बढ़िया बनकर मिल्क शेक तैयार हो गया है। तो अब हमें ग्लास लिया है, और इसी ग्लास में हम पहले बर्फ़ डालेंगे, 2 पीस। आपको बर्फ़ नहीं पीना है तो आप स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए, हम इसमें डाल रहे हैं बनाना शेक। और बनाना शेक जब हम सर्व करते हैं, ये देखिए क्या बात है, बिल्कुल मस्त बना है। पूरे परिवार के साथ में मिल्क शेक पीजिए, व्रत हैं तो भी पीजिए और नहीं व्रत हैं तो भी पीजिए। और ऊपर से हल्का सा नारियल डाल दीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप नारियल स्किप कर दीजिए, मैंने तो डाल दिया है। और ये रहा हमारा बहुत खूबसूरत दूध, शुगर, केला और इलायची पाउडर, चॉकलेट, ये मिल्क शेक हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। आप लोग हमेशा इसी तरह बनाइए गर्मियों में, लेकिन आइस डालना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरी तरह। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। आने वाला वीडियो आपके पास इसी तरह पहुंचता रहेगा। थैंक यू।